रबिशरली सदरी वसरली अमरी वाहदतम्लिसानी यफ़ाहू कौली अल्लाकम व्लि वबरकू आऊदबिल्लिशाज़ीम बसमिल्ल रही छोटी सी बात के साथ मैं हूँ मैं मुना हसन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आप हमारे साथ जुड़े रह सकें रोज़े का असल मकसद तकवा का हसूल है इसलिए रमज़ान को शहरु तकवा यानी तकवा का महीना भी कहा गया अल्लाह ताला ने तरमाया अयो अदीना आमनु कुबाला कुम्सयाम कमा कुी कबली तत्त ऐमान वालो तुम पर रोजे फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्त बन जाओ तकवा का मतलब है बचना यानी रोज़े की हालत में सिर्फ खाने पीने से ही परहेज़ काफ़ी नहीं बल्कि हर किस्म के गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है रोज़े की हालत में अगर हम हलाल खाने पीने से परहेज़ करते हैं तो हराम और ममनू कामों हती के बुरे हालात, मनफी सोचों बदगुमानी झूठ चुगली गीबत और लड़ाई झगड़े से भी परहेज़ लाजिम है खाना पीना इंसान के पसंदीदा मशागल में से है जिस पर कंट्रोल नहायत मुश्किल है लेकिन रोज़े में का तजुर्बा इंसान के अंदर ऐसी कुवत पैदा करता है इस काबिल हो सके कि वो अल्लाह की खातिर अपनी मनफी जज्बात को भी काबू में रख सके हज़रत बुहर से रवायत है कि रसोल्ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा सिर्फ़ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं बल्कि रोज़ा तोल यानी हर बेफायदा और बेहदा काम और रफ़ यानी जिनसी ख्वाहिहिशा पर मबनी हरक़त और कलाम से बचने का नाम है लिहाज़ा अगर कोई तुम्हें दौरान रोज़ा गाली दे या जहालत की बातें करे तो इसे कह दो इन्नी सन कि मैं रोज़ादार हूँ मैं रोज़ादार हूँ रसोल्ला सल्ह वसलम ने फ़रमाया बाज़ रोज़ेदारों को रोज़े से भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और बाज़ क्याम करने वालों को क्याम से बेदारी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता यानी वह रोज़ा रख कर भी जूट चुगली गिबत लड़ाई झगड़ा वगैरह से परहेज़ नहीं करते इसलिए ना तो दुनिया में उनको उनके रोज़े का कुछ फ़ायदा हासिल होगा और ना आहरत में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने झूठ बेहुदा अमाल और बेहुदा बातों को ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे इसलिए एक और जगह अनस बिन मालिक से मरवी है कि अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने बदजुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसके खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं इबादत में जिस तरह ज़ाहरी अरकान की पाबंदी लाजिम है इसी तरह अंदरूनी कैफियत, मसलन अखलास अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद यही तकवा है जो अल्लाह त हर इंसान से मतलूब है चलिए तो जानते हैं अब हमने करना क्या है रोज़ा रख भूख के तजुर्बे से तकवा औरज़़ों और सब्र जैसी सिफ़ात अपनाएं रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने का ही ना हो बल्कि आँख कान दिल जुबान और हाथ सबका ही रोज़ा रखें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुफीद कामों में सर्फ़ करें और लग लातों से मुमकिन हद तक परहेज़ करें हर दिन को गुजशत दिन से बेहतर बनाने के लिए अपना जायज़ा लेते रहें और लोगों के साथ मामला भी अल्लाह की महब्बत और अल्लाह के खौफ के तहत करें रोज़ाना खुद को याद दिहानी करवाते रहें कि हो सकता है आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो ताकि हर काम बेहतरीन तरीके से कर सकें और तकवा के हसूल के लिए दुआएं भी करते रहें इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी फिर मुलाकात होगी असलकम वरहल वर्कू